हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? आई होप के आप सब ठीक हैं और आप अपने जो लेक्चर हैं, जो कि मल्टीमीडिया के ज़रिए से आपको स्टडी करवाया जा रहा है, उस लिहाज से आप इनको अच्छी तरह से इनकी प्रिपेशन कर रहे हैं, इनको तैयार कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये बड़ा अच्छा मेथड है कि आप इस लॉकडाउन के दौरान भी अपनी क्लासेस को आप जारी रखे हुए हैं, ताकि आप अपने जो एजुकेशन का तालीम का जो सिलसिला है, इससे इसको बग़ैर किसी तख़ीर के डिसकनेक्ट हुए इसको आप कंटिन्यू रख सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारी बुक इलेक्ट्रिकल वायरिंग के हवाले से, हम पिछले लेक्चर में भी हमने सुना है, आपको गाइड किया गया, बताया, आपके तरफ से कुछ क्वेश्चन थे, और उसी टॉपिक की एक लास्ट जो टॉपिक है एक रहता है, वो आज के इस लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। और हम पढ़ रहे हैं जॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो जॉइंट्स हैं, जो मुख्तलिफ हमें हम इसको इस्तेमाल करते हुए वायरिंग के हवाले से डोमेस्टिक और इंडस्ट्री लेवल के ऊपर हम इसको इस्तेमाल करेंगे और जानेंगे। तो आए हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है केबल जॉइंट्स, और केबल जॉइंट्स हम तीन तरह के इसमें जॉइंट्स जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर वन पे जो है हमारे पास जो है स्ट्रेट जॉइंट। स्ट्रेट जॉइंट कोई भी कंडक्टर हमारे पास जो है, हम उसको जब इस्तेमाल करते हैं, जब जोड़ते हैं आमने सामने से दो वायरों को, जब इस तरह से हम ऐसी कंडीशन में जोड़ते हैं ताकि उनके अंदर जो है वो कनेक्टिविटी बहाल की जा सके, तो आप देख सकते हैं कि ये पहले से एक प्रिपेयर करके जॉइंट आपको दिखाया जा रहा है। और इस तरह का जो जॉइंट होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रेट जॉइंट। आप इसमें क्या करते हैं कि आप अपने कंडक्टर्स जो हैं, जो हमारे पास वायर मौजूद है, हम उसको इस तरह से उनके जो रेशे हैं उनको हम अलग-अलग अलग-अलग कर लेते हैं। अलग-अलग अलग-अलग करने के बाद इनको आपस में ऐसे मर्ज कर देते हैं और एक अलग-अलग वायर के साथ इसको हम ऊपर से टाइट कर देते हैं, जैसा कि आपने इसमें देख सकते हैं, ताकि ये जो हमारा जॉइंट है स्ट्रेट जॉइंट जो है वो मजबूती से अच्छी तरह जो है वो उसकी पकड़ हो सके। इसके बाद इसके ऊपर आप जो है सोल्डरिंग कर सकते हैं मज़ीद इसको मजबूत करने के लिए, ताकि इसकी जो मजबूती है इसमें और ज़्यादा मैकेनिकली इसमें इजाफा हो सके। तो नंबर टू पे है हमारे पास टी जॉइंट। टी जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है कि जो टी शेप का होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि टी जॉइंट हमारे पास की जो शेप है, शक्ल जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी कि दो मुख्तलिफ कंडक्टर्स को, वायर्स को जब हम जोड़ने के लिए जो जॉइंट इस्तेमाल करते हैं उसका एक नाम टी जॉइंट है। तो वो आपको पहले भी दिखाया जा चुका है कि इस तरह से हम टी जॉइंट जो है वो बनाते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है, हम क्या करेंगे उसके दरमियान से हम इंसुलेशन जो है उसको उतारेंगे, और एक और जो वायर है हमारे पास हम उसको इसके ऊपर जो है वो हम इसको वाइंड कर देंगे, या इसकी मजबूती के साथ इसको हम इसकी पकड़ बना देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हमने टी जॉइंट बनाने के लिए ये हमारे पास कंडक्टर हैं दो तरह के। आप दो कंडक्टर को ऊपर स्ट्रेट में इसको ऊपर लपेट सकते हैं मजबूती के साथ, और जो तीसरा है उसको आप इसको नीचे वाली साइड के ऊपर लपेट सकते हैं। और इसके ऊपर जो हमारी जो कंडक्टर की जो हमारे पास इसकी ऊपर आती है इंसुलेशन जो है, उसको उतारने के बाद हम उसके ऊपर जो हमारे दरमियान इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के दरमियान जो हमारे पास जो गैप है, जो फासला हमने छोड़ना है, वो है 5 सेंटीमीटर का। आपने इतने 5 सेंटीमीटर से इंसुलेशन इसकी उतारनी है, और उसके ऊपर हमने जो भी कोई भी कंडक्टर जो है, जो हमारे पास पीवीसी केबल्स होती हैं उनके दरमियान में से आपको उतार के, जैसे हमारे पास ये पहले से एक कंडक्टर है आप देख सकते हैं, तो आप इसको उतार के इसके ऊपर जो है मजबूती से आप इसके ऊपर इसकी जो पकड़ है, इसके तय जो है उसको मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरह से जो टी शेप में हमारे पास जो जॉइंट बन जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जॉइंट की जो किस्म आ गई है वो है टी जॉइंट। टी जॉइंट के लिए आपको 5 सेंटीमीटर जो है कंडक्टर को ऊपर से इंसुलेशन को उतारना पड़ेगा, और फिर जो है इसके ऊपर हम इसको कंडक्टर दूसरे के साथ इसके ऊपर मजबूती से बांध सकते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास जो है वो है बर्टिनिया जॉइंट। ये ऐसा जॉइंट है जो ऐसी ऐसे कंडक्टर्स के ऊपर किया जाता है जो जिनकी मोटाई जो है, जो हमारे पास 16 से 18
गेज के जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं उनके ऊपर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया है कि ब्रिटेनिया जो जॉइंट है वो हमने 16 से 18 स्टैंडर्ड वायर गेज जो है, ऐसे जो मोटे कंडक्टर हैं उनके ऊपर हमने इसको इस्तेमाल करना है। और मोस्टली इनका जो है बहुत कम पैमाने पर डोमेस्टिक लेवल पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम दो जो कंडक्टर हैं उनको आपस में मिलाते हैं और उनकी जो ये शेप है इस तरह से आप देख सकते हैं एल टाइप, इस तरह की शेप जो बनती है। और यहाँ तक जो यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो हमने तकरीबन जो है वो 1 सेंटीमीटर का रखना है। और इसके ऊपर जो हम वायर जो है वाइंड करते हैं, इसके ऊपर जो इसको जोड़ को कंप्लीट करने के लिए, मजबूती से जोड़ने के लिए, वो जो वायर है वो हमारे दरमियान यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर के दरमियान जो है वो होना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंडस्ट्री लेवल के ऊपर भी हमें कुछ कंडक्टर्स को, वायर्स को, केबल्स को आपस में ज्वाइंट करना पड़ जाता है। तो मसलन जैसे हमने पढ़ा हुआ है LT और HT केबल, लो टेंशन और हाई टेंशन केबल्स जो हैं उनके अंदर जब हम कोई कनेक्शन या कोई जॉइंट लगाते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि उसी तरह आपने कंडक्टर्स को आपस में मिलाना है जैसे हमने स्ट्रेट जॉइंट में हमने देखा कि आप HT और LT पावर केबल्स के दरमियान क्या करना है, आपने इनके जो कंडक्टर्स हैं उनको अच्छी तरह से उनको लपेट के उनके ऊपर आपने क्या करना है कि सोल्डरिंग करना है। सोल्डरिंग करने से आप जानते हैं कि इसकी मजबूती जो बढ़ जाती है और उसके ऊपर आप इसको मजबूती से टेपिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपने जॉइंट्स के बारे में पहले भी आपको बताया गया और मज़ीद इसमें डिस्कस किया, जिसमें आज हमने सीखे हैं स्ट्रेट जॉइंट क्या होता है और उसको बनावट कैसे है, कैसे बनाते हैं, टी जॉइंट जो है वो हमारे पास कैसे उसकी प्रिपरेशन है, कैसे उसको तैयार करना है, उसके बाद ब्रिटेनिया जॉइंट है जो इस तरह शेप में आपको बनेगा। ब्रिटेनिया जॉइंट हम ऐसे कंडक्टर्स के ऊपर यूज़ करते हैं, बनाते हैं जिनकी गेज या जिनका जो डाया है वो 16 से 18 जो है इसका गेज होती है। उसके अलावा हमने देखा कि LT और HT पावर केबल्स, वो केबल जो कि इंडस्ट्री लेवल के ऊपर इस्तेमाल होती हैं उनको भी हम जॉइंट करते हैं। सेम वही तरीकाकार है, वही प्रोसीजर है जो हमने इधर सीखा है। और आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर है इसकी समझ आ गई होगी। असाइनमेंट के तौर पर आपके बुक के ऊपर पेज नंबर 41 पे जो है वो दो टॉपिक्स हैं वो आपने असाइनमेंट के तौर पर नोट करने हैं, मटीरियल रेगुलेटेड फॉर जॉइंट पावर केबल, ये जो है एक पहला टॉपिक है आपने, ये इसके पॉइंट है तकरीबन 8 वो आपने नोट करने हैं। टूल्स रिक्वायर्ड फॉर पावर केबल जॉइंटिंग, इसके भी तकरीबन 21 पॉइंट हैं वो आपने असाइनमेंट के तौर के ऊपर आपने इनको नोट करना है और लिखना है। इस लेक्चर के बारे में अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप इसको नोट कर लें और आइंदा हम लेक्चर में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको हम नोट करेंगे। बहुत शुक्रिया।